everyone, welcome to our channel Food and Face. कैसे हैं friends आप सब? I'm also fine. I know आप लोगों को थोड़ा background change लग रहा होगा because आज मैं मेरे personal room में shooting कर रही हूँ because जहाँ पे मैं always shoot करती हूँ वहाँ पे सब मेरे family members बैठे थे so मैं उनको disturb नहीं कर सकती थी तो मैं मेरे room में आ गई. So I hope आपको background से कोई problem नहीं होगी. फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ फूड रिलेटेड एक इंस्टेंट स्नैक जो फटाफट से आपके घर पे कभी अचानक से गेस्ट आ जाते हैं और आप लोगों को कुछ अच्छा सा और यमी सा उनको बना के खिलाना होता है. और मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हमें जो कुछ भी बनाना है तो घर पे वो सब चीजें अवेलेबल होनी चाहिए. सो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इजी और इंस्टेंट है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी एकदम नॉर्मल है, आपके घर से ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो. बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को क्या बोलने वाली हूँ. अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बटन ऑफ बेल जिससे कि आपको मेरी वीडियो की सब नोटिफिकेशन मिले. लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो फ्रेंड्स. फ्रेंड्स आज मैं आपको इजी चीजी बॉल्स सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं. इसके लिए सबसे पहले मैं एक क्लीन बॉल लूंगी, उसमें मैं ऐड करूंगी 1 onion एकदम फाइनली चॉप. मैंने ये कैसे चॉप किया है वो मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो उसके लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाने वाली हूँ. फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 capsicum, वो भी एकदम बारीक कटा हुआ होना चाहिए, दोनों चीज़ें बहुत ही बारीक होनी चाहिए. फिर उसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें कोरिएंडर, फिर उसमें मैं चीज़ क्यूब्स ब्रेक करके ऐड करूंगी एंड उसके बाद फिर हम इसमें मसाले डालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, फिर मैं ऐड करूंगी चिली फ्लेक्स, ये आपको कोई भी मॉल से या कोई भी सुपरमार्केट से इजीली मिल जाएंगे. फिर मैं उसके बाद इसमें ऐड करूंगी मिक्स हर्ब बिकॉज इट्स अ मैक्सिकन स्नैक तो इसमें ये सारे मसाले हमको ऐड करने हैं. फिर मैं ऐड करूंगी इसमें एंड मिक्स करूंगी प्रॉपरली कि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं. फिर उसके बाद मैं एक ब्रेड का स्लाइस लूँगी और इसको 2 पोर्शन में कट करके फिर ब्रेड को पानी में थोड़ा सा सोक कर लेंगे. फिर उसके बाद हम 1 tablespoon हमने जो भी मिक्सचर बनाया है उसका लेंगे एंड हाथों की हेल्प से हम इसको राउंड शेप देंगे और प्रेस करते हुए हम इसका एक्सेस वाटर निकाल देंगे. फ्रेंड्स हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, आपको जो भी शेप पसंद हो. मैं अभी राउंड शेप दे रही हूँ, यू कैन सी आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ. अगेन फिर दूसरा स्लाइस लेके पानी में सोक करके फिर हम ऐड करेंगे उसमें बैटर जो हमने अभी बनाया था एंड अगेन फिर हम राउंड शेप दे देंगे. एंड फ्रेंड्स आप जो पानी यूज़ करेंगे ना उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं तो चीज़ बॉल्स की जो ऊपर की लेयर है ना वो थोड़ा फीका लगेगा, सॉल्ट नहीं लगेगा उसमें. इस तरीके से अब मैंने सब बना लिए हैं. फ्रेंड्स इट्स वेरी ईजी, कोई भी बना सकता है और इट्स वेरी टेस्टी यमी. अब हमने बना लिया है, अब हम फ्राई करेंगे. फर्स्ट हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे फिर उसके बाद स्लो एंड मेक श्योर कि आप कढ़ाई में 2 से ज़्यादा नहीं डालें तो सेफली आपके ये फ्राई हो जाएंगे. गोल्डन ब्राउन करके हम फ्राई करेंगे इन सबको. फ्रेंड्स इट्स रेडी, यू कैन सी द कलर. अब मैंने इसको कट किया है, पूरा चीज़ इसमें मेल्ट हो गया है, इट्स वेरी यमी. आप इसको किसी को भी बना के खिलाओगे आपकी बहुत तारीफ करेंगे. फ्रेंड्स आई होप आज के वीडियो के इजी चीजी बॉल्स आप सब लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे. पर्सनली फ्रेंड्स ये मेरे फेवरेट है, मेरे नहीं मेरे फैमिली मेंबर्स के सबके फेवरेट है. जब भी सबको कुछ अच्छा खाने का मन करता है ना सब मुझे यही बोलते हैं कि निशा जी आप ये बना दीजिए तो मैं फटाफट से बना देती हूँ बिकॉज इट्स वेरी इजी और सबको अच्छे भी बहुत लगते हैं. फ्रेंड्स आप भी इसको जरूर अपने घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे बने और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि सब मेरी वीडियो से बेनिफिट ले पाए. सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा. अब चलते हैं हमारे आज के टिप की तरफ. फ्रेंड्स आज का टिप भी फूड रिलेटेड ही है बिकॉज आज की वीडियो भी फूड रिलेटेड थी. तो फ्रेंड्स जो लोग घर पे पनीर बनाते हैं बाहर से ऑर्डर नहीं करते हैं तो घर पे ही बनाना चाहिए, इट्स वेरी हेल्दी.
तो जब भी आप घर पे पनीर बना रहे हैं, जब मिल्क बॉईल होता है ना, एट दैट टाइम आप उसमें हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डाल दें एंड आप उसमें कॉर्नफ्लोर का घोल बना के डाल दें। कॉर्नफ्लोर का घोल बनाना कैसे है, थोड़ा सा मिल्क ले लीजिए, उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेक श्योर कि उसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। वो कॉर्नफ्लोर का घोल आप मिल्क में डाल दीजिए, फिर जैसे ही दूध फटेगा और आप जब पनीर बनाएंगे तो वो एकदम मार्केट जैसा ही आपका पनीर बनेगा, एकदम सॉफ्ट और उसकी थिकनेस भी अच्छी बैठेगी बिकॉज ऑफ कॉर्नफ्लोर, और इवन मार्केट से भी बहुत अच्छा बनेगा। सो आप ये टिप जरूर ट्राई करें। पर्सनली ये मैं फॉलो करती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू। सो ये था मेरा आज का टिप। आई होप आपका वीडियो एंड टिप दोनों चीजें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, एंड मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।